एवरीवन, वेलकम टू कैसमिक इंग्लिश एकेडमी। इसके वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड कुछ यूजेस। सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्वप्रथम हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का डेफिनेशन के विषय में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ऑल्सो नोन एज द फ्यूचर प्रोग्रेसिव, इज अ वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। वर्ब टेंस जो है फ्यूचर में किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो कार्य प्रोग्रेस में है, जो कार्य चल रहा है, इस चीज के विषय में वर्णन करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू से एक इंसान रोड पर चल रहा होगा, इस तरीके से अगर हमें कहना है तो हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना होता है। अब हम बात करेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स के विषय में। फर्स्ट में है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है आई विल बी स्टडिंग फॉर माई एग्जाम एट 8 PM tonight। ठीक है, आपको पॉजिटिव तरीके से अगर आपको स्टेटमेंट देना है या आपको आंसर करना है तो आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस बनाना होता है और इसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। आई विल बी स्टडिंग फॉर माई एग्जाम एट 8 PM tonight का मतलब मैं आज रात 8 बजे मेरे एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, पढ़ रहा हूँगा, अगर इस तरीके से आपको अपने बातों को कहना है फ्यूचर में पॉजिटिव स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है नेगेटिव। नेगेटिव के स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट प्लस विल के बाद में नॉट लगाना होता है। Will not plus be plus verb form in the present participle form plus object। Present participle means ing वाला form जो before भी कहलाते हैं और उसके बाद object। I will not be studying for my exam at 8 PM tonight। मैं आज रात 8 बजे नहीं पढ़ रहा हूँगा। और next से question बनाने के लिए आपको will plus subject plus be plus verb ing in the present participle form plus object। Will I be studying for my exam at 8 PM tonight? ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन करने के लिए हम ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसमें आपको मतलब पता है, क्या मैं आज रात 8 बजे पढ़ रहा हूँगा, अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर का प्रयोग करना होता है, तो इसे हम इंटरोगेटिव भी कहते हैं। और यहाँ पर मैंने बस एक सब्जेक्ट के साथ तीनों सेंटेंस बनाया है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। सभी सब्जेक्ट के साथ चलाना सीखना है तो आपको मेरी लाइव देखना पड़ेगा, वहाँ पे मैं सारे सब्जेक्ट के साथ इसको प्रैक्टिस करवाता हूँ। चलिए अब बात करते हैं कुछ यूजेस के विषय में। फर्स्ट है एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, कोई ऐसी एक्शन हो रहा है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा हो, जैसे आई विल बी स्टडिंग फॉर माई एग्जाम एट 8 PM टुनाइट। ठीक है, ये तो हमने पहले किया था। अब मैं 8 बजे, ठीक है ना, 8 पर्टिकुलर टाइम 8 बजे पढ़ रहा हूँ एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है दे विल बी मूविंग टू अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम पे वे एक नया हाउस पे शिफ्ट कर रहा होगा। नेक्स्ट है एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट यूजेस क्या है कि कोई ऐसी कार्य फ्यूचर में जो एक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, पीरियड समझते हैं आप लोग एक लेंथ, ठीक है ना, एक पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट तक। तो यहाँ पर आई विल बी वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है ना, 3 मंथ का पीरियड है यहाँ पर, 3 मंथ का एक लेंथ है, 3 मंथ्स का क्या है यहाँ पे एक टाइम पीरियड है, तो उस चीज़ को बता रहा है यहाँ पे कि मैं मेरे प्रोजेक्ट के लिए तीन महीने के लिए काम कर रहा हूँ। दे विल बी ट्रैवलिंग अराउंड यूरोप फॉर नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पर भी एक पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे पूरा अगले साल पूरा वे क्या करेंगे, यूरोप का टूर लेंगे या ट्रैवल करेंगे। नेक्स्ट यूजेस है एक्शन दैट विल बी इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन। ठीक है, अब ये फ्यूचर में कोई एक एक्शन हो रहा होगा तो दूसरा एक्शन वहाँ पर इंटरप्ट करेगा या एक और एक्शन वहाँ पे एग्जिस्ट होगा। जैसे आई विल बी वॉचिंग टीवी व्हेन शी अराइव्स। ठीक है ना, ये आई विल बी वॉचिंग जो है एक एक्शन माने जो टीवी देखने का काम कर रहा हूँ मैं, और उसी क्षण यहाँ पर वो भी पहुंचेगी, दूसरा एक्शन भी वहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट है दे विल बी हैविंग डिनर व्हेन द मूवी स्टार्ट्स। ठीक है, वो एक डिनर खा रहे होंगे जब मूवी शुरू होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो देख सकते हैं आप लोग।